कटाया, स्वयं चौकट पर बैठ गई, ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा कि पूछ कौन कौन से वरदान मांगे थे, कौन कौन से वरदान मांगे थे। बोले बाहर मरूं ना भीतर मरूं। हिरण्यकश्यपु से भगवान बोले बता कहाँ है, बोले बीच में हूँ। दूसरा वरदान बोले ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, अब बता कहाँ है, बोले बीच में हूँ प्रभु। तूने वरदान मांगा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, भैया मेरे पास कोई तीर तलवार नहीं है, बड़ा पानी दिया है मैंने इनमें, लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे जी लंबे लंबे महाराज नाखून, बड़ा पानी दिया है। मैंने वरदान मांगा था कि न किसी जानवर से मरूं न किसी इंसान से मरूं। तो भगवान ने कहा जरा एक बार देखियो मेरी तरफ, मैं कौन हूं। महाराज भय के कारण भगवान की तरफ नहीं देख रहा। बोले कोई भी वरदान मेरे से मिलता जुलता नहीं है, न तू बाहर है न भीतर है न ऊपर है न नीचे, न मनुष्य हूं न जानवर हूं, और ब्रह्मा के बनाया हुआ प्रकृति के द्वारा मैं आबद्ध पुरुष भी नहीं हूं, अब तो तुझे मरना पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, वो तो हमें भी बताए कि मरना पड़ेगा। पर भगवान ने देरी नहीं की, प्रहलाद जी की तरफ देखा, अपने 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 लंबे लंबे नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया, और जैसे पेट फाड़ा परीक्षित आंतों को निकाल करके गले में धारण कर लिया। किसी ने पूछा कि आंतों को निकाल करके गले में धारण क्यों किया, बोले इसलिए किया क्योंकि इसके शरीर से प्रहलाद की उत्पत्ति हुई, और भगवान जितना भक्तों को प्यार नहीं करते उससे कहीं ज्यादा भक्तों के भक्तों को प्रेम भगवान करते। भगवान ने कल्याण किया, और जैसे ही कल्याण किया भयंकर क्रोध में भगवान, भयंकर क्रोध में, क्रोध अग्नि शांत नहीं हुई। देवता आए, प्रभु शांत हो जाओ शांत हो जाओ। एक एक देवता ने जाकर के लक्ष्मी से कहा कि तुम्हें अपने पति से मिलने नहीं जाना। बोले जाना है, कहाँ है, बोले वहां है, चले जाओ। और जैसे मिलने के लिए गई, और जैसे ही भगवान ने दहाड़ मारी, दूसरी सांस वैकुंठ में आके ली, ये मेरा पति नहीं है भैया, ये कौन है। लक्ष्मी जी चली गई, देवताओं की हिम्मत नहीं बढ़ रही है कि भगवान को रोके, खूब स्तुति कर ली, लेकिन भगवान शांत नहीं हुए। तब किसी ने कहा कि प्रहलाद जी को आगे करो, ये तभी शांत होंगे। और जैसे ही प्रहलाद जी आगे आए और भगवान ने प्रहलाद जी की तरफ देखा, परीक्षित उठा करके गोदी में बैठा लिया, और जैसे गोदी में बैठाया अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी के मुख को चूमने लगे, चाटने लगे। भगवान का प्रहलाद जी के ऊपर वात्सल्य मनाया, वात्सल्य मनाया, प्रहलाद जी को अपनी जिह्वा से चाटने लगे प्रहलाद। प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की, प्रभु ब्रह्मा दया सुरगणा मनयोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाही नाराद तुम गुरुगुणै रघुनाथ पिप्रो किं तोष्टमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रभु आपको ब्रह्मा रुद्र आदि देवता ऋषि मुनि गण आपकी क्रोध की अग्नि को शांत नहीं कर पाए, और मैं दैत कुल में उत्पन्न हुआ एक छोटा सा भला बालक आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। हे प्रभु, हे शक्तिमान, इस जगत का कल्याण करने के लिए आप अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। प्रभु आपने जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वो मारा जा चुका है, अब कृपया करके शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। हे अनंत, ये आपका जो स्वरूप है ना, बड़ा डरावना लग रहा है, बड़ा डरावना, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। तब जाकर के भगवान शांत हुए। छिन पहले जिन नयन से बरस रहे अंगार, तिन नयनन अब देखिए प्रगट प्रेम रसधार।
स्तुति की। स्तुति करने के बाद भगवान मुखारविंद को चाटने लगे, मुख चाटने लगे। चूमत मुख चाटत तनु पुन पुन पुलकत कृपा निकेत, बन गए नारायण नरसिंह भक्त प्रहलाद बचावन हे। हम अगर उसके नाम का साधन, हम उसके नाम को अपने जीवन में उतार लेंगे तो वो हमारी जरूर रक्षा करेगा। और जब भगवान ने प्रहलाद की तरफ देखा तो भगवान की आंखों से आंसू निकल आए। उसकी कोमलता को देख करके, उसकी आयु को देख करके प्रहलाद बोले, प्रभु प्यारे अंग कोमल तिहारे। तेरे कितने कोमल अंग हैं, तो कितना प्यारा है प्रहलाद। हाय असुरन शस्त्र मारे मम नाम गुण गाने में। तेरे पिताजी ने तुझे कितना सताया है लेकिन तूने मेरा नाम नहीं छोड़ा। गिर से गिरायो रखी कसर ना सताने में, गिर से गिरायो और जल में डुबायो पुनी, अग्नि में जलायो रखी कसर ना सताने में। भगवान भूल गए कि मैं इसकी रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण मैंने किया है। उर से लगाए लिपटाए प्रभु बार बार, भगवान के हृदय में वो प्रेम उमड़ आया प्रहलाद के प्रति। और बोले प्रहलाद करुणा स्वरूप भये करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु। प्रहलाद जी के मुख को चूम चूम करके कहते हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं भगवान के मुख को चूम चूम करके कहते हैं, प्रहलाद मुझे माफ कर देना, भगवान माफी मांग रहा है, मुझे प्रहलाद माफ कर देना। प्रहलाद ने कहा प्रभु क्यों, आपने क्या गलती की है, क्योंकि आप तो मेरी रक्षा के लिए आए हैं। तो भगवान ने कहा कि मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मोए देर भई आने में, क्षमा करो लाल मोए देर भई आने में। भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगा, उमड़ आया वो वात्सल्य प्रहलाद के प्रति। लाला बेटा मुझे माफ कर दे, मैं लेट हो गया तेरी रक्षा करने में, मुझे माफ कर दे। प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरी क्या औकात कि मैं आपके सामने बोल सकूं, ब्रह्मा जैसे देवताओं ने आपकी स्तुति की फिर भी आप शांत नहीं हो पाए, और आप मुझ दैत्य कुल में उत्पन्न हुए बालक पर कृपा करने के लिए आए प्रभु, ये आपका बड़प्पन है। और भगवान ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया, त्रिसप्तमी पिता पूत पितृ भी सहते नग, यत साधुश्च गृहे जातो भवान वही कुल पावन। देख प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस घर में पैदा होता है उस घर का तो कल्याण हो ही जाता है, जो भगवान का भक्त बन करके पैदा होता है या भगवान का भक्त होता है, सात पीढ़ी आगे की और सात पीढ़ी पीछे की वो तार देता है। कितनी पीढ़ी, त्रिसप्त भी पिता पूत पितृ भी सहते नग, सात पीढ़ी पहले की और सात पीढ़ी आने वाली और सात पीढ़ी माता के कुल की यानी मामा पक्ष की। सात दुनी 14 और सातिया 21, एक बालक भक्त बनने पर 21 पीढ़ियां तर जाती है। बोलो राधे राधे। और हमें डर लगता है कि अगर कोई बालक भजन करने लग जाए तो माँ सोचती है कहीं बाबा ना बन जाए, कहीं बाबा ना बन जाए। और तो और हम आपको अपनी अपबीति बताएं, जब पढ़ने के लिए गए तो हमारे घर वालों से कहते थे देख तेरा छोरा बाबा बन के आ गया, बाबा बन के आएगा, कहीं बाबा ना हो जाए। और जो कावर लेके आते हैं पीले पीले कपड़े पहन करके हरिद्वार से अनूप शहर से लेकर के आते हैं, क्या वो बाबा बन जाते हैं, वो नहीं बनते ना बाबा। लेकिन हमारी सोच ऐसी हो गई, कोई भगवान का भजन करने लग जाए
अरे देखो भगवान का भजन कर रहा है और ना करे, देखो भगवान का भजन करता ही नहीं। ये दुनिया है, करोगे तब भी कहेगी, ना करोगे तब भी कहेगी, अच्छा करोगे अरे देखो कितना बड़ा बन गया है, और बुरा करोगे बोले इसके सामने पढ़ना भी मत। दुनिया का मुंह आप बंद नहीं कर सकते हो, दुनिया का मुंह आप बंद नहीं कर सकते हो। कुलम पवित्र जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन स्वर्गस्थितास्ते पितरोपि धन्या येषां कुले वैष्णव नाम धेयम्। जिस कुल में तेरा जैसा बालक पैदा होता है उसका कल्याण हो जाता है, 21 पीढ़ी तर जाती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और बहुत सुंदर आशीर्वाद देने के बाद भगवान ने भक्ति का वरदान दिया और विदा हुआ। विदा होने के बाद सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तूने कहा था ना कि भगवान राक्षसों को मारते हैं, ये तेरी भूल थी। इसके बाद सनातन धर्म के 30 लक्षण बताए सुखदेव जी ने परीक्षित को। सत्य सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षे समोदम अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्याग स्वाध्याय आर्जवा। 30 लक्षण बताए कि एक लक्षण का भी हम संग कर लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी इसके बाद एक सुंदर कथा सुनाते हैं, परीक्षित भगवान ने दैत्य कुल के दैत्य कुल में उत्पन्न हुए बालक पर तो कृपा की, लेकिन एक जानवर भी जानवर के ऊपर भी कृपा की। परीक्षित चौंक गया, प्रभु जानवर के ऊपर समझा नहीं। तब भगवान ने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। भैया एक हाथी था, बड़ा उन्मत्त हाथी था, अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझा करता था। एक दिन सरोवर में गया पत्नियों को साथ लेकर स्नान करने के लिए। जल में ग्रह था मगरमच्छ था, उसको मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, और जब पैर पकड़ा तो सोच रहा था कि इसको पता नहीं है कि कौन आया स्नान करने के लिए, महाराज गजराज आए हैं स्नान करने के लिए। और जब इसको पता चलेगा कि गजराज आए हैं तो निकल करके माफी मांगेगा, वो उसकी सोच थी। लेकिन वो भूल गया कि मेरे से भी हजार गुना बलशाली मगर जिसने मेरा पैर पकड़ा है। और एक बात बताएं, उस ग्राह का केवल मगर ने पैर पकड़ा है, बहुत अच्छी बात है। हम सबका भी पैर मगर नहीं पकड़ा है, सभी शांति बनाए रखे। ये बच्चे ना ये बड़े प्यारे श्रोता है, आके बैठ जाएं बड़ी शांति से। भैया प्रसाद की व्यवस्था है, जय जय अम्मा की जय जय, बोलो राधे राधे। कुछ भी हो अम्मा के 500 एकड़ पर रोज की, मैंने गोलू से कह दिया है पंडित जी से, मैंने 5735 लिख के रख दी अम्मा के, काम 35 ही करना अम्मा को, बोलो राधे। हम तो चाहते हैं कि अम्मा खूब कृपा करे, आशीर्वाद दे, जो खूब हमारी वाणी के द्वारा कथा सुने, बस सिलेंडर की ने कृपा होनी चाहिए, बोलो राधे राधे। बड़ा सुंदर भाव अम्मा का, पूरी कथा सुन रही हैं। लाला अरे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। और जैसे ही गजराज ने सोचा कि इसको पता नहीं है, गजराज का पैर मगर ने पकड़ा है और हम सब का पैर भी मगर ने पकड़ा है, कैसे पकड़ा है? बोले वो खुर्जा जंक्शन पे कथा हो रही है, चलो सुना में। तो कहेंगे चलते तो मगर, आज देवोत्थानी एकादशी है ना, तो साथ दिए घर में कैसे जाए। अरे चल नंदोत्सव मनाया जाएगा, कन्हैया को जन्मोत्सव मनाया जाएगा, नहीं चल देखे हमें पड़ोस की तो बात है, चलती तो ना भैसन के सानी करनी है, चलती तो मगर भैसन के सानी करनी है, धार काटनी है। हम सबको मगर ने पकड़ा है और हम सब सोचते हैं कि ये मगर हमसे ज्यादा बलशाली नहीं है, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। जब ग्राह का युद्ध उस मगर से होने लगा, पैर को बलात्पूर्वक खींचने लगा, जितना ऊपर खींचता है उससे दुगना ग्राह उसको अंदर ले जाता है। 50 पत्नी 150 पुत्र हैं, पत्नियों से कहा देवी मुझे निकालो, मेरी रक्षा करो। बच्चों ने खूब सहायता की, खूब सहायता की। बच्चे बोले अब का मरे के संग में मरो जाए,
तो छोड़ करके चले गए। कुछ समय तक पत्नियों ने भी रक्षा की, बोले ये हमारे स्वामी जी हैं, इनकी रक्षा करो। जब पत्नियों को लगा कि अब तो ये जाने वाले हैं, वो भी छोड़ करके चली गई, वो भी छोड़ करके चली गई। उस दिन गजराज को लगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्यों? क्योंकि सबसे मतलबी ये दुनिया है। 50 पत्नी 150 पुत्र होने के बाद में भी गजराज अपने आप को असमर्थ समझने लगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। वो पत्नी जो कहती थी ये मेरे मैं इनकी हूँ, और जब चले गए पतिदेव तो चौकट तक ही वहीं से हाथ हिला दिया, तो वहां मिलेंगे। बच्चा गया दाह संस्कार करने के लिए, बोले सर फोड़ करके डंडे से सर फोड़ दिया, 1 किलो घी भर दिया, बोले हक निभा दिया बेटे ने भी, बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। और जो साथ वाले जाएंगे ना, अच्छे काम किए होंगे तो कहेंगे बड़ा अच्छा था भैया, लेकिन क्या करें भगवान की टेढ़ी नजर जो उठा लिया। और जो थोड़ा सा ना उद्दंडी, अच्छा हुआ बड़ा सताया करता था, चला गया। एक बोला इसको आज ही मरना था, हमें ड्यूटी जाना था और इसका इसके घर से फोन गया, कल नहीं मर सकता था, संडे निकल गया, ये कल मर जाता तो छुट्टी तो नहीं होती हमारी कम से कम। लो बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना हरि अकेला रहेगा। गजराज लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, और अंतिम समय में भगवान को पुकारा, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं डूब रहा हूं, प्रभु मेरी रक्षा करो। बहुत सुंदर स्तुति की भगवान की कि प्रभु अब तो जिसने इस जगत को बनाया है वो मेरी रक्षा करे। जिस परमात्मा इस जगत को चला रहा है वो मेरी रक्षा करे। पुकार रहा है, तिल के बराबर सूंड रह गई बाहर निकली हुई, प्रभु अगले पल ऐसा ना हो कि मैं चला ही जाऊं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सभी देवी देवता बैठे हैं कि ये हमें पुकारेगा तो हम बचाने के लिए जाएंगे, ये हमें पुकारेगा तो हम बचाने के लिए जाएंगे। हनुमान जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, ये हमें पुकारेगा नाम से तो हम जरूर बचाने के लिए जाएंगे। सब बैठे हैं, लेकिन वो कहता है कि जिसने इस जगत को बनाया है वो मेरी रक्षा करे, वो मेरी रक्षा करे, वो मेरी रक्षा करे। प्रभु स्तुति करता है भगवान की। थाम लो मैं बिखर जाऊंगा, थाम लो मैं बिखर जाऊंगा, मैं बिखर के किधर जाऊंगा, थाम लो मैं बिखर जाऊंगा। कहिए भगवान से, थाम लो मैं बिखर जाऊंगा, थाम लो मैं बिखर जाऊंगा, थाम लो मैं बिखर जाऊंगा, मैं बिखर के किधर जाऊंगा, मैं बिखर के किधर जाऊंगा, थाम लो मैं बिखर
दिल के बराबर सूर भगवान को पुकार रहा है, प्रभु मुझको कोई शिकायत नहीं, मुझको कोई शिकायत नहीं, तेरे बिन मुझको राहत नहीं, तेरे बिन मुझको राहत नहीं, मुझको कोई शिकायत नहीं, मुझको कोई शिकायत नहीं, तेरे बिन मुझको राहत नहीं, तेरे बिन मुझको राहत नहीं, इश्क की हद गुजर जाऊंगा, 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 मैं भी छोड़ते किधर जाऊंगा, थाम लो मैं बिगर जाऊंगा, थाम लो मैं किधर जाऊंगा, घर जाऊंगा, प्रभु मुझे थाम लीजिए, बचा लीजिए, रक्षा करिए राज पुकार रहा है प्रभु है। तुम हो हम सबके प्यारे सजन, तुम हो हम सबके प्यारे सजन, सुना सुना है तुम बिन जीवन, 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 तुमको पाकर सवर जाऊंगा, तुमको पाकर सवर जाऊंगा, मैं बिखर के किधर जाऊंगा, थाम लो मैं बिखर 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 जाऊंगा। गजराज कहता है प्रभु मैं डूबने वाला हूं, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, मुझको ऐसे ना यूं छोड़िए, मुख अपना ना यूं मोड़िए, मुझको ऐसे ना छोड़िए, मुख अपना ना यूं मोड़िए, ना मिले तो मैं मर जाऊंगा, ना मिले तो मैं मर जाऊंगा, मैं बिखर के किधर जाऊंगा, मैं बिखर के किधर जाऊंगा, थाम लो मैं बिखर जाऊंगा, थाम लो मैं बिखर जाऊंगा। और आज भगवान ने देरी नहीं की, परीक्षित जैसे ही पुकारा भगवान बैकुंठ में बैठे थे, लक्ष्मी मैया के साथ चौसर खेल रहे थे, आज लक्ष्मी मैया जीत रही थी, अचानक हाथी ने पुकारा, भगवान दौड़ पड़े, लक्ष्मी ने कहा प्रभु वाह, आज जब मैं जीत रही हूँ तो आप उठ करके जा रहे हो, और रोज जब आप जीतते थे तो मैं फिर बैठी रहती थी। सुदेव कहते हैं परीक्षित भगवान ने केवल हाँ कहा, लक्ष्मी मैया के पास में थी पर तो उसका उद्धार कर दिया करके। भगवान आए और जैसे ही भगवान आए
देखा कि भगवान गरुण पर सवार होकर के आ रहे हैं। अच्छा, गरुण को भी अभिमान हो गया, लो भगवान का तो हमारे बिना काम ही नहीं चलता है। भगवान जब भी देखो हमें ही लेकर के जाते हैं। जब गरुण जी को अभिमान हुआ तो भगवान ने सोचा हाथी की रक्षा तो बाद में करूंगा, पहले गरुण जी की अभिमान से रक्षा कर लेता हूँ। अपनी उंगली ली गरुण जी के ऊपर रख और जैसे ही रखी गरुण जी से कहा तुम उड़ो चलो। गरुण जी ने कहा कि प्रभु मजाक क्यों कर रहे हो, अब बैठ जाइए तभी तो मैं उड़ूंगा। नारायण ने कहा कि भैया तुम पहले उड़ तो सही। सुखदेव कहते हैं परीक्षित गरुण जी ने खूब अपने पंख फड़फड़ाए लेकिन टस से मस नहीं हुए। गरुण जी बोले प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। गरुण जी सवार गरुण पर सवार होकर के भगवान आए, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, ग्राह के सहित हाथी को बाहर निकाला और आदेश दिया मुख को फाड़ करके पैर को निकाला। किसी ने बहुत सुंदर कहा प्रभु एक बात बताओ, पुकार सबसे पहले किसने लगाई आपको? हाथी ने। और आपने उद्धार किसका किया? मगर का। ये बात समझ में नहीं आई तो भगवान ने कहा भैया जितने मुझे मेरे भक्त प्यारे होते हैं उससे ज्यादा मुझे भक्तों के दास बड़े प्रिय लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे भक्त का चरणामृत पान कर रहा था। भक्त ने आवाज तो मुझे लगाई लेकिन दया मुझे उस पर आ गई, इसलिए मुझे सबसे पहले उसका उद्धार करना पड़ा। जब उद्धार कर दिया बड़ी सुंदर स्तुति की, नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, बहुत सुंदर स्तुति की, बहुत सुंदर। प्रभु आपने मेरी रक्षा की। नमो नमस्ते भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायाद बीजाय परेशाया विधीमहि। ये एक स्तोत्र है गजेंद्र मोक्ष के नाम से, एक अध्याय है भागवत जी में। अगर हम भवकूप में गिर रहे हैं, किसी बड़े संकट में हम फंस रहे हैं, अगर हम इसका पाठ करेंगे नियमित रूप से तो गोविंद आकर के हमारी जरूर रक्षा करेंगे। इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। जब संकट के समय गजेंद्र की रक्षा भगवान ने की तो भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे। बहुत सुंदर स्तुति करने के बाद भगवान विदा हुए। परीक्षित भगवान ये नहीं देखते कि कौन है क्या है, भगवान तो केवल भाव देखते हैं। भाव, वो हमें किस भाव से बुला रहा है, वो हमें किस भाव से बज रहा है। और भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। और अन्न धन और वस्त्र भूषण मुझको कुछ नहीं चाहिए, आप हो जाएं बस यही पूर्ण सत्कार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेक्षति, तू पत्र दे पुष्प दे जल दे जो तेरी इच्छा है, और इसको भी मत दे, पत्र भी मत दे फूल भी मत दे, तेरे बस की बात नहीं है, तो फिर तू केवल भाव अर्पण कर दे, तू भाव अर्पण कर दे। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी गए पंडित जी के पास में, पंडित जी से जाकर के बोले बड़े परेशान है महाराज, देखो क्या है, हम तो बड़े परेशान है, कोई काम ही नहीं बन रहा है, कोई काम ही नहीं बन रहा है। तो पंडित जी ने पत्रा खोला, पत्रा खोल करके जैसे ही देखा, भैया शनि की 7:30 चल रही है। क्या चल रहा है? शनि की 7:30। बोले उपाय? बोले उपाय ये है कि ब्राह्मणों को बिठा करके शनि का जप करा दो और हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ करा दो। अब सेठ जी बोले इतना टाइम इतना पैसा, पंडित जी कुछ हल्के हाथ से काम हो जाए देख लो, इतनी व्यवस्था ना हो तो क्या किया जाए? बोले ब्राह्मण नहीं बैठा सकता है, अगर पाठ नहीं करा सकता है तो एक काम कर, कोकला बन जा और शनि भगवान के दर्शन कर, तेल चढ़ा करके आ जा। उसने सोचा कौन जाए कोकला बन, कौन तेल चढ़ाए, कुछ हल्का
कुछ हल्का हो जाए। बोले एक काम कर, शनिवार के दिन कोई भी व्यक्ति आए उसको तेल में अपना रूप देख करके नाखून देख करके तेल दान कर दियो भैया, शनि का प्रकोप कब हो जाएगा। अब सोचने लगा कब शनिवार आएगा, कब वो व्यक्ति आएगा, उसके भरोसे बैठना पड़ेगा, तेल दान करना पड़ेगा, कुछ हल्का। तो भैया एक काम करियो, कोई काला वस्त्र लियो और पंडित जी को दान कर दियो। अरे बोलो पंडित जी एक बात बताओ, अब कहाँ से मैं काले वस्त्र लेकर के आऊंगा, काला कपड़ा लेकर के आऊंगा और कहां किसको दूंगा, किसी ने नहीं लिया, तो कुछ हल्का और हल्का। पंडित जी बोले के भैया एक काम कर, जो रील आती है ना काली रील, ले जा करके शंकर जी के ऊपर चढ़ा दियो। सोचने लगा कौन रील लेके आए, कौन शंकर जी पर चढ़ाए, कुछ हल्का। पंडित जी ने अपना माथा पकड़ा, भैया जब तेरे पास रील की भी व्यवस्था नहीं है, समय नहीं है चढ़ाने के लिए, तो शनि भगवान का तेरे पास सर फोड़ने के लिए आएंगे। तो भगवान कहते हैं अन्न धन और वस्त्र भूषण मुझको कुछ नहीं चाहिए, आप हो जाएं हमारे बस यही सत्कार है। भाव बिन कुछ भी जो देवे में उसे लेता नहीं, भाव से बस एक पुष्प भी वो मुझे स्वीकार है, वो मुझे स्वीकार है। और भाव से अगर पुष्प भी दे दिया तो वो मुझे स्वीकार है। बांध लेते जन मुझे भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री। अच्छा एक बात बताओ, घर जाने की जल्दी किस किस को है, हाथ खड़ा करके बताएं। जिसको जल्दी है पंडित जी के द्वारा केला दिलवाएंगे और चले जाना। लेकिन आज मैंने कल कहा था कि भैया कल तो थोड़ा सा समय लगेगा, है अभी तो अधभर में भी ना पहुंचे। बोलो राधे राधे। भगवान ने बहुत सुंदर उसके ऊपर कृपा की। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तू प्रश्न कर और मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देता जाऊंगा। इसके बाद में समुद्र मंथन की कथा सुनाई, बड़ी सुंदर कथा है। इंद्र को मत हो गया, दुर्वासा जी गए स्वर्ग में, भगवान की प्रसादी माला दी इंद्र ने, ली और लेकर के अपने हाथी के सामने डाल दी। और जैसे हाथी के सामने डाली, भगवान की प्रसादी माला का अपमान कर दिया। दुर्वासा जी ने कहा तू श्रीहीन हो जा, और जैसे श्रीहीन हो जा श्राप दिया। श्राप देने के बाद में इंद्र श्रीहीन हो गया। इंद्र जैसे श्रीहीन हुआ पिताजी के पास गया, पिताजी मेरी रक्षा करो। देवताओं की माताजी अदिति परेशान होने लगी, पति के पास गई, प्रभु क्या करना चाहिए। बोले पयोव्रत कर, पयोव्रत का पावन अनुष्ठान कर। और मैया ने किया, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा मैया तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों की मैं रक्षा करूंगा। और जैसे कहा कि तेरे बच्चों की रक्षा करूंगा तू चिंता मत कर, जैसे अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। और अनुष्ठान प्रारंभ होने के बाद भगवान ने सांत्वना दी। समय कुछ समय बाद भगवान अदिति माँ के गर्भ से सुंदर रूप धारण करके आए। बोले अदिति मैया की बैठ जाओ बस 10-20 मिनट में ही कर रहे हैं, बैठ जाओ, ऐसे दानों नहीं चाहिए, आ जाए गुब्बारे, देखो कितना पैसा लगाया हुआ। और आप लोग ना गलत बात है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, बैठ जाओ, हम भी जा रहे हैं। फिर भैया चलो आरती करो, हम भी जा रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की बैठ जाइए, बस हमें पता है कि रोटी बनानी है आपको भी जाकर के और हमें खानी है, बैठ जाओ बस 10 मिनट की बात है। और जैसे ही बावन भगवान ने सुंदर अवतार ग्रहण किया और पूरी त्रिलोकी राजा बलि के कब्जे में, और जैसे राजा बलि के कब्जे में पूरी त्रिलोकी को देखा, भगवान गए और त्रिलोकी को ला करके राजा बलि से अपने भाइयों को दे दिया। बोले बामन भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान तो भक्तों का कल्याण करने के लिए नए नए अवतार ग्रहण करते हैं।
नवम स्कंद में प्रवेश करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। मात्र दो अध्यायों में राम कथा है, बड़ी सुंदर। और इस नवम स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है, बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। पहले सूर्य वंश का वर्णन, और उस सूर्य वंश में हमारे राम जी प्रकट होकर के आए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, राम जी हमारे प्रकट होकर के आए। राम जी प्रकट होकर के आए और जैसे ही चंद्र वंश का निरूपण करते हैं तो कहते हैं, भैया परीक्षित चंद्र वंश बड़ा पवित्र वंश है, बड़ा ही पवित्र वंश है। चंद्र वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है यदु, और उनके कई पीढ़ियों बाद एक राजा हुए जिनका नाम है देवमेड। क्या नाम है? देवमेड। सूर्य वंश और चंद्र वंश का बहुत विस्तार से वर्णन है। चंद्रवंश में, सूर्य वंश में राम जी का प्रादुर्भाव हुआ और चंद्रवंश में हमारे कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ। और देवमीड़ के जो राजा नाम के राजा हैं, उनकी दो पत्नियां हैं, एक पत्नी के दो पुत्र हुए अर्जन्य और परजन्य, दूसरी पत्नी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है सूरसेन। अर्जन्य परजन्य के नौ पुत्र हुए जिनको हम नवनंद कहते हैं, नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं, और दूसरी पत्नी के बेटा है सूरसेन, सूरसेन के पुत्र वसुदेव इत्यादि हुए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वसुदेव की सात पत्नियां हैं, गौरवी रोहिणी भद्रा मद्रा लोचना इला देवकी प्रमुखा आसन पत्नी आनक दंदुवे। ये सात पत्नी, सबसे छोटी देवकी, दूसरे नंबर की पत्नी है रोहिणी, रोहिणी माँ के गर्भ से भगवान बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ, और देवकी मैया के गर्भ से ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। और जैसे प्रादुर्भाव हुआ, इन्होंने सुंदर सुंदर लीलाएं की, गोकुल में जन्म हुआ, मथुरा में कारागृह में प्रकट हुए, गोकुल में पले बड़े, वृंदावन में जाकर के लीला की, फिर मथुरा आए गुरुजी के यहाँ पढ़ने के लिए गए, मात्र दो श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना करके सुखदेव जी चुप हो गए। और जैसे ही चुप हुए, परीक्षित ने कहा, प्रभु हो गई कृष्ण कथा? बोले हाँ, हो तो गई, सुना तो दी। बोले नहीं प्रभु, विस्तार से सुनाइए। तब विस्तार से सुनाते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। राजन, बड़ा सुंदर वंश है भगवान का, बड़ा सुंदर चरित्र है भगवान का, बड़ा सुंदर। परीक्षित, जब पृथ्वी पर बड़े बड़े असुरों का बोलबाला हो जाता है और पृथ्वी जब करहाने लगती है, लगता है कि अगले पल में रसातल में चली जाऊंगी, तब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास जाती है, और जब देवताओं के पास जाती है कहती है, प्रभु अब भगवान से कहिए कि वो अवतार ग्रहण करें। जब जब हो धर्म की हानी, 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 बाढ़ असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर अधर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध सरूरा, तब तब धरे प्रभु विविध सरीरा, हर ही कृपा सचन पीरा, सचन पीरा। और जब असुरों का बोलबाला हो जाता है परीक्षित, तब धेनु रूप
जैसे ही गैया गई पृथ्वी गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई, देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु अब तो आप अवतार लो, अब तो अधर्म का बोलबाला ज्यादा हो गया है। तब भगवान ने आकाशवाणी की और कहा कि चिंता मत करो, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष प्रय जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तो सुरश्रिय। चिंता मत करो, मैं वसुदेव जी के यहाँ पर अवतार लेकर के आऊंगा, चिंता मत करो आप। और जैसी आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आएंगे, चिंता मत करो। देवता लोग जाने लगे, अब ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ जा रहे हो, लौट के आओ। और जैसे लौट करके आए तो कहा कि क्यों, अब क्या काम है? बोले काम कुछ नहीं है, भगवान आ रहे हैं तो अब भगवान की लीला में हमें भी सभी देवताओं को सम्मिलित होना है। फिर बोले तुम भी जाकर के अब ब्रज में गोपी ग्वाल बन जाओ, कोई गाय बन गया, कोई बछड़ा बन गया, कोई वृक्ष बन गया, कोई बंदर बन गया, कोई मोर बन गया, तुम भी जाकर के भगवान की लीला में अपना अपना योगदान दो। मथुरा के राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है कंस। ब्राह्मणों ने पत्र खोली, कहा कि राजन इसका त्याग दो, इसका त्याग कर दो, नहीं तुम्हारे राज्य के लिए ये अच्छा संकेत लेकर के नहीं आया है। बक्से में बंद किया, यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, बटेश्वर पर वसुदेव जी के पिताजी स्नान कर रहे थे सूरसेन। और जैसे स्नान कर रहे थे, संदूक को खोला, उसमें एक छोटे बालक को देखा, प्रसन्न होकर के घर ले आए और अपने यहाँ पर सुंदर लालन पालन किया। एक दिन नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। कंस ने कहा मैं सूरसेन का पुत्र कंस आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। नारद जी ने कहा दोबारा कियो, क्या कह रहा है? बोले मैं सूरसेन का पुत्र आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। नारद जी ने कहा कि भैया तेरे से किसने कह दिया कि तू सूरसेन का है? फिर बोले तू तो उग्रसेन का है और तेरा बाप मथुरा का राजा है। और जैसे ही पता चला, असंख्यों राक्षसों को ला करके मथुरा पर चढ़ाई कर दी, पिताजी को बंदी बनाया, कारागृह में डाल दिया, खुद गद्दी पर बैठ गए। और जैसे गद्दी पर बैठा, वसुदेव जी को बड़ा बड़ा प्रिय मित्र मानता है। उग्रसेन जी के जो छोटे भाई हैं, उनकी एक बेटी है जिसका नाम है देवकी, उससे बड़ा स्नेह करने लगा कि मेरी छोटी बहन है, इसका विवाह करूंगा। और जैसे विवाह का नाम लिया, सोचने लगा कोई अच्छा वर मिल जाए, तो कोई और नहीं, वसुदेव जी के सामने प्रस्ताव रखा, भैया क्या आप मेरी बहन को पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? बोले बिल्कुल करेंगे। सुंदर पाणि ग्रहण संस्कार हुआ। परीक्षित जैसे ही सुंदर पाणि ग्रहण संस्कार के बाद अपनी बहन को स्वयं विदा करने के लिए जा रहा था, बड़े हर्षोल्लास के साथ है भैया, बड़े हर्षोल्लास के साथ जैसे ही विदा करने के लिए जा रहा था, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा कि अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम महसे बुधा। तू कंस बड़े प्रसन्नता के साथ विदाई कर रहा है और तुझे जानकारी नहीं है कि इसी का आठवां पुत्र तेरा काल होगा। और जैसे ही कहा कि आठवां पुत्र इसका काल होगा, अभी जो प्रेम उमड़ रहा था एकदम क्रोध में भर गया, इसके गर्भ से जो पैदा होगा वो मुझे मारेगा। बोले जब यही नहीं रहेगी तो इसके गर्भ से बेटा कैसे होगा? और नंगी तलवार लेकर के बालों को पकड़ करके खींचने लगा, बोले मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। वसुदेव जी ने आकर के कहा भैया पहले सुन तो लो पूरी बात, तुम एक बात बताओ कि इसके पुत्रों से भय है कि इससे भय है? बोले मुझे तो इसके पुत्र से भय है। तो वसुदेव जी ने कहा कि फिर इसको क्यों मार रहे? मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते
अद्य बाप सदान देवा मृत्युर वही प्राण नाम दुर्वा। वसुदेव जी कहते हैं भैया मृत्यु तो वैसे सत्य है लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं वचन देता हूँ कि इसके गर्भ से जो भी पुत्र होंगे वे उन सभी को ला करके तुम्हें दे दूंगा। और जैसे वसुदेव जी ने कहा विश्वास हो गया क्योंकि बड़ा 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 मानता है वसुदेव जी को, कारागृह में डाल दिया। जैसे जैसे संतान होती गई वसुदेव जी ने ला करके कंस के हाथ में दे दिया और कंस ने एक से लेकर के छह संतानों को मार दिया। बड़ा दुख होता है देव की माँ को जब कोई बालक संतान कंस के हाथ में जाती है, कंस मार देता है। सातवीं बार स्वयं शेष अवतार के रूप में भगवान आए माँ देवकी के गर्भ में। क्यों आए? बोले राम अवतार में तो हम छोटे बन करके गए थे, तुमने हमारी एक भी बात नहीं सुनी, अब की बार बड़े बन के जाएंगे तो कम से कम एक आध बात तो मानोगे। बोले ठीक है भैया चले जाओ। तो साथ में पुत्र के रूप में स्वयं बलराम भगवान आए गर्भ में। अब भगवान ने माया को आदेश दिया कि देखो माता देवकी के गर्भ में से संकर्षण करके और माँ रोहिणी के गर्भ में इस गर्भ को स्थापित कर दो। माया को आदेश दिया, माया ने कर दिया। अब जैसे साथ में पुत्र का इंतजार कर रहा था कंस, तभी अंदर से खबर आई कि सातवा पुत्र खंडित हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले चलो एक हत्या से तो बचे, एक हत्या से तो बचे। और जैसे रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित किया, कुछ समय बाद समय अनुसार भगवान बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले दाऊ जी महाराज की जय। और जैसे दाऊ जी महाराज का अवतार हुआ बलराम भगवान आए। आठवीं बार हमारे ठाकुर जी ने सोचा कि भैया आप तो चलना ही चाहिए, नहीं तो ये जो गुब्बारे हैं ना सब फूले के फूले रह जाएंगे, मेहनत सब चली जाएगी। ये टॉफी है, ये माखन है, ये मिश्री है, सब रखो को रखो रह जाएगा। आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। अब मत गाओ भैया समय है, रो नहीं तो फिर। और जैसे ही है गाए बोले राधे राधे। आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा गया फूल मुरझा गए। आरती भी धरी की धरी रह गई, आरती भी धरी की धरी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मेरी पूजा। अपराध क्या है बताते नहीं, मेरा अपराध क्या है बताते नहीं। रोते रोते ये साथ है भैया, सीटी सीटी या सीटी ने मेरे खून पी लिए।
आप आते हो क्यों, आप आते नहीं हमसे रूठे हो क्यों, आप आते नहीं हमसे रूठे हो क्यों, आप आते नहीं मेरा अपराध क्या है बताते नहीं, मेरा अपराध क्या है बताते नहीं, इतना होते हुए मैं समझ ना सका, इतना होते हुए मैं समझ ना सका, कौन सी भावना में कमी रह गई, 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 आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली दरी रह गई। और जैसे ही ठाकुर जी ने सोचा कि अब तो चलना चाहिए, ठाकुर जी बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ और ठाकुर जी ने सोचा अब तो चलें, भैया अब देरी नहीं करनी चाहिए। परीक्षित धीरे धीरे वो सुंदर प्रभु माता के गर्भ में आए, और जैसे माता के गर्भ में आए धीरे धीरे वो पावन महीना, कौन सो महीना, सावन को ना, सावन को ही आ जान दो, सावन के बाद ही तो भाव तो भादो आवेगी। धीरे धीरे वो श्रावण का महीना महाराज, रिमझिम बारिश है, धीरे धीरे वो निकलने लगा बड़े प्रेम से, पहला सोमवार, दूसरा सोमवार, तीसरा, और तीसरे के बाद जैसे ही सोमवार चौथो आया सो ही भादो लग गई, और जैसे ही भादो लगी वो कृष्ण पक्ष धीरे धीरे है वो समय आने लगा, और परीक्षित जैसे जैसे धीरे धीरे वो समय आने लगा, इधर कंस को टेंशन होने लगी कि आठवां बालक गर्भ में आ गया है, अब तो नारद जी आए, नारद जी ने, अच्छा नारद जी बड़े मखौली हैं, बड़े विनोदी हैं, नारद जी आए जैसे ही सोचा कि चलें, ने थोड़ा सा कंस को चढ़ाया है, जैसे ही आए आठ पंखड़ी का कमल लेकर के आए, पहले भी समझा करके गए और फिर आ गए, अब जैसे ही आए कंस ने कहा कि नारद जी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप आए हो बड़ी अच्छी बात है, और अब तो मेरा काल भी गर्भ में आ गया है, मुझे क्या करना चाहिए और वो कैसा होगा प्रभु बताएं। अब नारद जी बोले सुन भैया कंस, वो काला काला होगा, कैसा होगा, हाँ जी परीक्षित जी महाराज कैसा होगा, काला काला होगा। अब जैसे ही सुना काला काला होगा, घर में जितने काले काले पर्दे थे सब हटवा दिए, रसोईया से कह दिया भंडारी आज से भोजन में जीरा नहीं डलेगा, ठीक है भंडारी आज से भोजन में जीरा नहीं डलेगा, काली चीज आए उससे महाराज डर जाएगा, जो भी हम तो रात को परछाई देख लेना काली उससे भी डर जाए, काला काला होगा, बड़ा मतवाला होगा, देखने में छोटा लेकिन पेट में डेढ़ हाथ दाढ़ी वाला होगा, अब तो टेंशन उसको हो गई, काली वस्तु दिख जाए बस दूर 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 करो इसको मेरे से, अब तो बड़ा बेचारा परेशान रहने लगा। धीरे धीरे वो भादों का महीना आया, और जैसे धीरे धीरे वो भादों का महीना आने आया, सुंदर प्रतिपदा आई, द्योज आई, तीज निकली, चतुर्थी गई, पंचमी गई, षष्ठी गई, और जैसे ही सप्तमी गई, और जैसे ही वो सुंदर दिन कौन सी तिथि, अष्टमी, अष्टमी, जैसे ही अष्टमी आई, बहुत सुंदर सुहावना मौसम, पक्षी कलरव कर रहे हैं यमुना जी में, बड़ा मधुर शीतल जल प्रवाहित हो रहा है, देवता लोग आए और आकर के गर्व स्तुति करके चले गए। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य सत्यस्य सत्य व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। प्रभु आप सत्य हो, उस सत्य को याद रखना जो आपने वचन दिया था कि आकर के मैं पृथ्वी के ऊपर अधर्म का जो बल वाला है उसको दूर कर दूंगा, उस सत्य को याद रखना।
आप सत्य स्वरूप हो, और गर्व स्तुति करने के बाद देवता जैसी गए। धीरे धीरे अष्टमी की तिथि आई, सुंदर माँ के मुखार बिंदु पर ऐसी सुंदरता। वसुदेव जी ने कहा, देवी मुझे तो लगता है कोई दिव्य पुरुष आपके गर्भ में है, ऐसा सुंदर मुख मैंने कभी आपका नहीं देखा। दृष्ट्याम बते कुक्षिगत परम पुंसा सेन साक्षात भवान भवाय च, मुझे तो लगता है कोई महापुरुष आपके गर्भ में है। और भैया जैसे ही धीरे धीरे वो प्रातःकालीन बेला अष्टमी की धीरे धीरे बजे, कितने कितने बजे है अभी काई को, अभी तो 4:36 हुई है, और जैसे ही बजे दोपहर के 12, सभी लोग बड़े प्रसन्नता में धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 धीरे धीरे एक एक घंटा घट रहा है, समय बढ़ रहा है, और जैसे ही बजे 11:30, और जैसे ही 11:30 बजे धीरे धीरे वो एक एक मिनट करके मौसम अर्धरात्रि का समय, बड़ी सुंदर शीतल सुगंधित हवा चल रही है, और जैसे ही रात्रि के बजे 12, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, जैसे ही 12 बजे भगवान मैया के सामने प्रकट हो गए, भगवान मैया के सामने प्रकट हुए, मैया ने सुंदर भगवान के चतुर्भुज रूप में झांकी का दर्शन किया। तमुद्भुतम बालकम मुझे क्षणम चंसंग गदार्युतम, तमुद्भुतम बालकम मुझे क्षणम चतुर्भुजम संग गदार्युतायुतम, श्री वत्स लक्ष्मण गलसो भुकोस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोदु सौभगम। और जैसे ही सुंदर स्तुति की, प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ, बड़ी सुंदर स्तुति की, प्रभु तमद्भुतम बालकम मुझे क्षण, बड़ा अद्भुत रूप लेकर के आए हो आप, आपको बालक के रूप में आना चाहिए था, आप तो पिताजी बन करके आए हो। एक आम बालक जब आता है दुनियादारी का तो दो हाथ वाला होता है, आप चतुर्भुजम चार भुजा लेकर के आए हो, आपको कोई देखेगा तो हंसेगा, देखो चार हाथ वाला है, और फिर ये संग गदा पद्म इनकी आवश्यकता क्या थी। कन्हैया ने कहा कि, अब ठाकुर जी ने कहा, नारायण ने कहा कि आपको कैसा बालक चाहिए, बोले छोटे हो जाओ, माता अपनी मूली सोमत डोली तजौ तात यह रूपा, ये जो रूप है ना पिताजी वाला रूप, इसको त्याग दो। फिर बोले छोटे हो जाओ की जय शिशु लीला, छोटे होकर के बैठ जाओ, लेट जाओ। नारायण ने कहा कि मैं हो तो जाऊंगा लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। बोले हमारी क्या जिम्मेदारी है, बोले जिम्मेदारी ये है कि मैं छोटा होकर के एक पात्र में मुझे रख लेना, मुझे पात्र में रख करके सीधे गोकुल में जाना, बाबा नंद के यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को लेकर के आ जाना और मुझे वहां पर छोड़ करके आ। बोले ठीक है प्रभु। और जैसे ही कहा, भगवान छोटे हुए की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। और आप देखो, आप एक मिनट के लिए विचार करें, देवी की माँ ने जैसे ही देवी की माँ के सामने ठाकुर जी आए, वो कौन ऐसी अभागी माँ होगी जो माँ अपने बेटे को बालक होते ही, पुत्र होते ही दूर कर रही है 11 वर्षों के लिए। अब सोचिए उस माँ ने कितना पत्थर दिल किया होगा। माँ ने अपना दुग्ध पान भगवान को कराया पहली बार, और दुग्ध पान कराने के बाद भगवान को वसुदेव जी के हाथ में दिया, कांपते हुए आंखों में आंसू हैं, बार बार भगवान के माथे को चूम रही है, भगवान जा रहे हैं दूर, पुत्र जा रहा है, ममता उमड़ उमड़ करके आ रही है। और जैसे ही वसुदेव जी के हाथ में दिया, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सारे बंधन वसुदेव जी के खुल गए, जो बेड़ियां पड़ी थी सब खुल गई। और जैसे बेड़ियां खुली, परीक्षित ने कहा प्रभु ऐसा क्यों हुआ, बोले जब भगवान का स्पर्श कर लिया तो माया दूर अपने आप भाग जाती है, और जब वसुदेव जी माया को लेकर के आएंगे तो फिर दोबारा से बंधनों में बंध जाएंगे।
और जैसे ही वसुदेव जी ने उस पात्र को उठा करके सर पर रखा और देखो हमारे बीच में भी ठाकुर जी आएंगे, बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। वसुदेव जी गए, यमुना जी को पार किया और यमुना जी को पार करने के बाद में सुंदर गोकुल में पहुंचे, वहां से बेटी को लिया, बेटे को सुलाया और जैसे ही आए कारागृह में वैसे ही वो जो माया के रूप में प्रकट हुई थी नंद बाबा के यहाँ पर रुदन करने लगी और जैसे ही रुदन करने लगी सैनिक जाग गए। एकदम जब भगवान का अवतार हुआ तो सैनिक सो गए थे, माया का आदेश दे करके सुला दिया था और जैसी माया आई सैनिक जागे। सैनिक बोले हैगो है गयो रे, महाराज से जाकर के कहो बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। और जैसे ही वो सैनिक आया दौड़ा उड़ा बालक को ले जाकर के कंस के हाथ में दे दिया। जैसे कंस ने देखा ये तो बेटी है, बोले देवताओं ने गड़बड़ कर दी, मैं बेटी को नहीं मारूंगा, लौटा दो, ये मुझे क्या मारेगी, ये मुझे क्या मारेगी। लेकिन किसी ने कहा कि महाराज गलती कर रहे हो, देवताओं की चतुराई हो, आप दया के भाव में छोड़ दो, ये मुझे क्या मारेगी। कंस ने कहा तुम सही कह रहे हो। जैसे लिया और उस कन्या को जैसे ही उछाला परीक्षित, वो आकाश में उड़ गई और जैसे ही उड़ी वही माँ विंध्येश्वरी के रूप में विंध्याचल में विराजमान है। उसने कहा कंस जिसे तू मारना चाहता है ना, उसने तो अवतार जाने कहां ले लिया है, और सुन उसने अवतार ले लिया है और इसी ब्रज मंडल में ले लिया है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। बोलो राधे राधे। कंस कांप गया, जैसे ही कंस कांपा, अब देखो कंस को छोड़ दो, कंस कांपे रोबे फूटे टूटे ये आपकी जिम्मेदारी, अब सीधे चलते गोकुल की तरफ। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा है डुबकी लगा रहे, अभी तो भयो ना जाने कब होगो, 80 को तो है गो, अभी तो भयो ना जाने कब होगो। नंद रानी की जो ननद है सुनंदा 6 महीना पहले आके बैठ गई, खाली झोला लेके आई कि भाभी के छोरा होगो तो भर के ले जाऊंगी। पहली जैसी सुबह सुबह देख करके आई कि भाभी अभी जगी ना है, चक्कर क्या है। और जैसी सुबह सुबह भाभी सो रही थी, सुनंदा ने गेट खोला, जाकर के देखा एक झीनी सी चुनरिया ओढ़ करके एक बालक लेटा हुआ है। बाबा उधर अभी तो भयो ना जाने कब होएगो, अभी तो भयो ना जाने कब होएगो। बाबा बस मंत्र तो भूल गए बाबा, कब होएगो कब होएगो, कब होगा। बहन ने जैसे ही चंदरिया हटाई और जैसे ही लाला के दर्शन किए, भूल गई कि मैं या कि भूआ हूं, सीधी दौड़ी दौड़ी भैया के पास गई। भैया है गयो। अब बाबा डुबकी लगाए, अभी तो भयो ना जाने कब होएगो, अभी तो भयो ना। जैसे ही किनारे पे आकर के बोली भैया है गयो, अरे का भयो है, काय को चिल्ला रही है, अरे भैया तुम बाबा बन गए। बोलो राधे, तुम बाबा बन गए। बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई जैसे ही कि मैं बाबा बन गया, निकल करके आए और सुंदर तिलक लगाया, सुंदर वस्त्र पहने बाबा ने, और जैसे ही सुंदर वस्त्र पहन करके अपने सभी ग्वाल वालों से कहा कि भैया देखो मैं बाबा बन गया, मैं बाप बन गया, अब तो मेरे भी संतान हो गई। सुंदर ब्राह्मणों को बुला करके वाचित्वस्तनम जात कर्मात्मजास्य वै कारयामास विद्वत पितृदेवार्चनम तथा। सुंदर ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति न स्तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। सुंदर स्वस्ति वाचन हुआ और जैसे सुंदर स्वस्ति वाचन हुआ, जैसे ही सभी को पता चला कि बाबा के लाला हुआ है, मैया ने सुंदर लाला को एक पालना में सुला दिया। और जैसे ही पालना में सुलाया, यूत के यूत गोपियों के इकट्ठे होकर के आने लगे, यूथ के यूथ आ रहे, ग्वाल वाल आ रहे हैं महाराज, कोई दही लुटा रहा है, कोई दूध लुटा रहा है, कोई माखन के लौंदा ऊपर से फेंक रहे हैं। बड़ा जमघट लग गया बाबा के यहाँ पर, बड़ी भीड़ उमड़ने लगी बाबा के महल में आकर के। और एक अम्मा तो ऐसी आई जाको कई साल पहले ब्याह भयो, ब्याह के समय जो लहंगा पहनो वान, जो पहनो काव लहंगा वो आज निकालो, बाबा के बालक के जन्म की खुशी में सुंदर श्रृंगार करो। लेकिन श्रृंगार में मिस्टेक है गई, क्या होटन वारी आंखन पे लग गई, आंखन वारी होटन पे लग गई, बड़ी मिस्टेक, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, भीड़ में आकर के बोली चौरे
एक ग्वाले की नजर गई अम्मा में, बड़ा जोश आएगा, भैया क्या बात है। अम्मा ने कहा चोरे कहा भयो है, और जय शिवा ने कहा मुंह फाड़ो। एक ग्वालो बैठो 250 ग्राम को लौंदा बनाया और सीधो तिक्के मारो, दांत थे नहीं गेट की पर थे नहीं मारा, सीधे अंदर गया। अम्मा मुंह चाटते ही रह गई, चोरे कहा भयो है। एक बोलो तेरे मोहड़े में 250 ग्राम का लौंदा पहुंच गया, अभी तो जुना पर तो का भयो है। अरे बाबा के लाला भयो है, बाबा के लाला भयो है। अब तो सभी नृत्य करने लगे, नाचने लगे। आप यहाँ से रास्ता दे दें और बीच में से थोड़ा सा रास्ता बना देना, आप सभी बीच में से रास्ता। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सो स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सो स्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम कृष्णा कृष्णा, स्वागतम कृष्णा तो स्वागतम सिरादे सिरादे माताएं जो बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं, आप बैठ जाओगी व्यवस्था रखोगी, अभी प्रसाद मत, अभी ये न फेंके भैया, अभी न फेंके, अभी रुक जाओ। अरे बाबा भैया रुक जाओ, अभी भैया फूल वूल बैठ जाओ, हम यहाँ से बताएंगे तब आपको करना है। सभी बैठ जाएं माता जी, आप बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, ये जो जितने भी कैमरा मैन है सभी बैठ जाएं, बैठे बैठे बस जो भी लेना है फोटो वगैरह बैठे बैठे, सभी को मौका मिलेगा पूजन का, सभी को प्रसाद मिलेगा, बैठ जाए, व्यवस्था को न बिगाड़े, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। भैया आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ जी, तुम्हें अपने अपने पड़ोसी की सौगंध में बैठ जाओ, बैठ जाओ। और जैसे ही सुंदर युत के युत आने लगे, बाबा को बड़ी खुशी है। और यहाँ पे जो हमारे सबसे मेन मुखिया है, यजमान है, वो बाबा बन करके लाला का सम्मान पूजन करेंगे, एक एक करके पूजन करेंगे, फिर बधाई लूटेंगे, बधाई लुटाएंगे, नृत्य करेंगे और नृत्य कराएंगे। सभी बैठ जाएं आराम से। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा
जिना स्वागतम किसना स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाए, खड़े ना हो, एक एक करके सभी भक्त आए, व्यवस्था खराब हो जाएगी और फूल नहीं डाले सभी सभी के पास आएंगे। बधाई दे देरी मैया दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया हो मेरी गोद में खेले लाल बधाई दे देरी मैया हो मेरी गोद में खेले लाल बधाई दे देरी मैया दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया मेरी गोद में खेले लाल बधाई तेरी मैया मेरी गोद में खेले लाल बधाई। नाच के गाने बधाई बाजे ढोलक धार नाच नाच के गाने बधाई बाजे ढोलक हमको दे दे मैया हमको दे दे मैया और मुंडियन उनके हाथ मेरी हो मेरी हो मेरी गोद में खेले लाल बधाई दे देरी मैया हो मेरी गोद में खेले लाल बधाई दे देरी मैया दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया हो मेरी हो मेरी गोद में खेले लाल बधाई दे दे मैया हो मेरी गोद में खेले लाल बधाई दे देरी मैया अंगना में बाजे आज बधाई हो नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई तो सवारी बधाई लोगों तो सवारी बधाई लोगों लाख बारी बधाई तो सवारी बधाई लोगों तो सवारी बधाई लोगों लाख बारी बधाई हो नंद जुगे हो नंद जुगे हो नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई ओ नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगों आज आज बधाई राधे 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 बोले भांगे में हरिलाल की जय। जिन्होंने पूजन कर लिया वो बैठ जाएं उनको बधाई मिलेगी। दो मिनट की बात है, बस दो मिनट के बाद फिर तो आरती होनी ही है, बस दो मिनट की बात है। जिन्होंने पूजन कर लिया वो बैठ जाएं और जिन्होंने नहीं किया वो ओड़ी चुनरिया तेरी पिया मैंने ओड़ी चुनरिया तेरी पिया। देखो अभी भी झुंड लगा हुआ, ये फोटो वाले बैठ जाएं भैया, फोटो वाले बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। पंडित जी
एक एक करके अम्मा को थोड़ा समय आगे को विदा करते हल्के से। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। हाँ ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। हाँ ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार बताओगे मुझे नाचना किस किस को आता है? किस किस को नाचना आता है? किसी को नहीं आता महाराज। एक मिनट भैया, एक मिनट, एक मिनट, किसी को नाचना नहीं आता है? आवे तो खड़े हो जाओ, जो नाचने वाले वो खड़े हो जाओ। हो गई शमसलोनी सूरत की दीवानी हो, हाँ शमसलोनी सूरत की दीवानी हो गई, शमसलोनी सूरत की दीवानी हो गई। सखी कैसे पाओ धीरे सखी बन जाओ पीर पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, हरी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी,
चले मुरारी से अब घर के अब घर कैसे जाऊं सगीरी अब घर कैसे जाऊं अब घर कैसे जाऊं सगीरी अब घर कैसे जाऊं उन्हें ना लड़े मुरलिया वाले थे अब घर कैसे जाऊं उठाइए सभी हाथ अपने हे मुरलिया वाले थे अब घर कैसे जाऊं अब घर कैसे जाऊं सभी अब घर कैसे जाऊं बोलो राधे 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 सभी बोले बोलो राधे 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 राधे